everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class, today we will proceed with the next P of marketing, or we can say the last P of marketing, that is promotion. Class, promotion ka topic jo hai thoda sa lengthy hai because iske andar kafi sare sub topics hai jinke andar kafi sari detail hai. ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे चलें, सबसे पहले हम प्रमोशन के मीनिंग को समझते हैं, प्रमोशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. क्लास, प्रमोशन, क्लास ध्यान से सुनो. फॉर एग्जांपल, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. आपने जैसे आप शो देखते हो, रियलिटी शोज देखते हो, इंडियन आइडल, कपिल शर्मा शो, तो उसमें आप देखते हो काफी सेलिब्रिटीज या काफी फिल्म स्टार्स आते हैं फॉर देयर फिल्म प्रमोशन. अपने फिल्म प्रमोशन के लिए वो आते हैं. ठीक है, तो वहां पे फिल्म प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि वो पब्लिक को अपनी आने वाली फिल्म के बारे में बताते हैं कि भाई पहले तो इन्फॉर्म करते हैं कि फिल्म आने वाली है. ऐसा ना हो कि आप लोगों को पता ही ना हो. भाई आप ये फेमस शोज देखते हैं, इनकी टीआरपी अच्छी है, तो वहां पे आके, उन प्लेटफॉर्म पे आके ये पब्लिक को पहले ये बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी फिल्म आने वाली है. सेकेंडली, सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करते, वो किसी ना किसी तरह आप लोगों को परसुएड करते हैं, कन्विंस करते हैं कि आप जाके उस फिल्म को, उस मूवी को देखें. यही होता है ना, पहले तो उन्होंने इन्फॉर्म करा कि भाई ये मूवी आने वाली है. सेकेंडली, वो आपको कन्विंस कर रहे हैं, नॉट फोर्स. देखो मैं यहाँ पे फोर्स वर्ड का यूज नहीं कर रही, वो आपको परसुएड कर रहे हैं कि आप आके उनकी मूवी को देखो. तो ऐसे ही करती हैं कंपनीज. कंपनीज का जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो उसे प्रमोट करते हैं. प्रमोट करने का मतलब क्या है, उसकी सेल को एनकरेज करना, आप लोगों के बीच में उस प्रोडक्ट को एनकरेज करना कि आप लोग उस प्रोडक्ट को खरीदें. इज दैट क्लियर? तो कैसे, क्या करती है कंपनी, सपोज करो मार्केट में न्यू कार आई है, तो कंपनी उसकी एडवर्टीजमेंट लेके आ रही है. उस एडवर्टीजमेंट से कई पीछे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. नंबर वन, कि आपको पहले प्रोडक्ट के बारे में पता चले कि अच्छा नई कार आ गई है मार्केट में. अगर आपको पता नहीं चलेगा कि सपोज मारुति सुजुकी ने एक न्यू कार लॉन्च करी है, तो आपको सपना तो नहीं आएगा ना कि मारुति सुजुकी ने एक न्यू कार लॉन्च करी है. तो एडवर्टीजमेंट से, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट से सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि हाई न्यू कार मारुति सुजुकी ने लॉन्च करी. अब एडवर्टीजमेंट में क्या करा है कंपनी ने, उसके फीचर्स हाईलाइट करे, उसकी क्वालिटीज हाईलाइट करी है, उसके सुपीरियर वैल्यूज हाईलाइट करी है, ताकि आप लोग कन्विंस हो जाओ, कंपनी आपको परसुएड कर रही है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदो. ठीक है, तो क्लास, प्रमोशन रिफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज विच इंटेंड टू इन्फॉर्म. सबसे पहले तो आप कस्टमर्स को क्या कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो अबाउट द प्रोडक्ट, एंड सेकेंडली आप कस्टमर को परसुएड कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो टू बाय दोस प्रोडक्ट. यानी कि प्रमोशन के अंदर देखो दो चीजें आ रही हैं. नंबर वन, यू आर इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स, एंड इन्फॉर्म करने के साथ साथ आप उन्हें परसुएड कर रहे हो कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे. तो आई होप कि आप सबको बहुत 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 अच्छे से प्रमोशन की डेफिनेशन और प्रमोशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रमोशन मिक्स. यस क्लास, नाउ व्हाट इज प्रमोशन मिक्स. क्लास, प्रमोशन मिक्स का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रमोशनल टूल्स, यानी जो भी प्रमोशनल टूल्स है उनका कॉम्बिनेशन जो कंपनी यूज कर रही है टू अचीव इट्स कॉम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव. कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, एक तो कस्टमर को इन्फॉर्म करना और दूसरा कस्टमर्स को परसुएड करना, कन्विंस करना कि वो उसके प्रोडक्ट खरीदे. तो क्लास, वेरियस प्रमोशनल टूल्स है एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन. पब्लिसिटी इज नॉट इन योर कोर्स नाउ, लेकिन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस आपको डिटेल में करनी है. ओके क्लास, दिस थिंग क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट प्रमोशनल टूल, दैट इज एडवर्टाइजिंग. यस क्लास, बहुत ईजी है पढ़ने के लिए ये टॉपिक एडवर्टाइजिंग, बिकॉज यू कैन रिलेट इट टू योर डेली लाइफ. आपको काफी इंफॉर्मेशन भी है इस टूल की, तो इसको स्टडी करना या इसके बारे में पढ़ना कुछ भी टफ नहीं होने वाला है. नाउ क्लास, एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग के अंदर तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में लिखने. अगर आप एग्जाम में इसमें से एक वर्ड भी मिस करते हैं तो योर मार्क्स वुड बी डिडक्टेड, क्योंकि इन तीन वर्ड से ही बनती है एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन. सबसे पहली चीज, एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन.
सेकंड मैं पे मार्क भी कर देती हूँ, विच इज पेड फॉर, सेकंड है पेड. थर्ड, बाय द मार्केटर्स और स्पॉन्सर्स टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विस. ठीक है, ये है आपका थर्ड. आप क्लास ध्यान से देखो, इस डेफिनेशन में जो ये मैंने तीन वर्ड्स मार्क करे हैं, ये मैं डिटेल में टाइम पास के लिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ये ही एडवर्टीजमेंट के फीचर्स भी है. यानी डेफिनेशन में से ही बनता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, विच इज इन योर कोर्स. तो क्लास एडवर्टाइजिंग के थ्री फीचर्स है. नंबर वन, इम्पर्सनैलिटी. सेकेंड, पेड फॉर्म. एंड थर्ड इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. डेफिनेशन में से ही बनते हैं एडवर्टीजमेंट के फीचर्स. आप क्लास ध्यान से देखो, आप समझते हैं ध्यान से. फर्स्ट फीचर, इम्पर्सनैलिटी. एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. इम्पर्सनैलिटी का मतलब है क्लास कि एडवर्टीजमेंट के अंदर देर इज नो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द एडवर्टाइजर. बेसिकली एडवर्टीजमेंट जब टीवी पे ऐड आ रही है या न्यूज़पेपर में ऐड आ रही है, तो आप उस एडवर्टीजमेंट को न्यूज़पेपर में रीड कर रहे हो या टीवी पे एडवर्टीजमेंट चल रही है, आप उसे देख रहे हो. देर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट. ऐसा नहीं है कि एक कार की एडवर्टीजमेंट आई, आपके मन में क्वेश्चन आया इसका प्राइस क्या है, या ऑन रोड इसका प्राइस क्या पड़ेगा, क्या इसमें डीजल पेट्रोल वेरियंट है, आपके मन में क्वेश्चन आया, आप पूछ रहे हो क्या टीवी में से वो एडवर्टीजमेंट रोक के कोई आंसर देगा. या न्यूज पेपर में एक एडवर्टीजमेंट आ रही है, आपको उसमें से दो डाउट है, दो क्वेश्चन पूछने, क्या उस न्यूज पेपर के एडवर्टीजमेंट में से आपको ऑन द स्पॉट आंसर मिलेंगे? नो, क्योंकि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है. वहीं पे क्लास, अगर यहाँ पे पर्सनल सेलिंग हो, जो ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट मेथड है उस पर हम जाएंगे, और सेल्समैन आए और सेल्समैन आपको कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वहां आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसी टाइम पूछोगे, आपको उसी टाइम आंसर मिल जाएंगे, फीडबैक उसी टाइम मिल जाएगा. तो इम्पर्सनैलिटी मीन्स देर इज नो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनका उसी टाइम ऑन द स्पॉट आंसर नहीं मिलेगा. एडवर्टीजमेंट बेसिकली होती क्या है, एक तरह का मोनोलॉग है. Use this word, as this word is used in NCERT also. Monologue का मतलब क्या होता है? One-sided communication and not a dialogue. Dialogue होता है जब दो लोग आपस में बात करते हैं. Two-sided communication. Advertisement एक monologue है. Monologue का मतलब होता है one-sided communication. One-sided means सिर्फ advertiser आया, अपने product के बारे में बताया, features बताए, चला गया. अब आप पीछे question पूछते रहोगे, answer नहीं देगा. टीवी पे ऐड आई, न्यूज़पेपर पे ऐड आई, फीचर्स बताए, दैट्स इट. आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई उसे एड्रेस नहीं कर रहा. तो इम्पर्सनैलिटी मीन देर इज नो पर्सनल कॉन्टैक्ट, देर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द एडवर्टाइजर एंड द कस्टमर. पेड फॉर्म. क्लास एडवर्टीजमेंट कभी भी फ्री में नहीं होती, आप ध्यान रखना. फ्री में कभी एडवर्टीजमेंट नहीं होती. आपको न्यूज़पेपर में ऐड करानी है अपने प्रोडक्ट की, आपको टीवी पे एडवर्टीजमेंट करानी है अपने प्रोडक्ट की, यू हैव टू बियर द कॉस्ट. तो जो मार्केटर है उसे कॉस्ट बियर करनी पड़ती है. जो स्पॉन्सर है, जो प्रोडक्ट पे पैसा लगा रहे हैं, बेसिकली तो मार्केटर ही होता है, और कौन पैसा लगाता है. तो स्पॉन्सर हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग. फ्री में एडवर्टीजमेंट नहीं होगी. जब भी एडवर्टीजमेंट कराओगे, स्पॉन्सर कौन होता है? जो उस प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं उस पर पैसा लगा रहे. तो जो भी उस प्रोडक्ट को पॉपुलर करना चाहता है, ऑब्वियसली वो मार्केटर ही होगा जो प्रोडक्ट को पॉपुलर करना चाह रहा है, उसे पैसा लगाना पड़ेगा. यू हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर्स. थर्ड है क्लास आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. यहीं से बना है, पेड फॉर्म से रिलेटेड ये क्लास. क्लास एडवर्टीजमेंट कौन करता है? सम कंपनी और इंडिविजुअल. तो वही होता है स्पॉन्सर. स्पॉन्सर मीन्स जो पैसा लगाए. हु बियर्स द कॉस्ट, सिंपल सी बात है. स्पॉन्सर वो होता है क्लास जो खर्चा उठाता है, जो कॉस्ट बियर करता है, जो पैसा लगाता है. तो एडवर्टीजमेंट कौन करता है? कोई एनोनिमस पर्सन नहीं होता. एडवर्टीजमेंट कौन करता है? कोई इंडिविजुअल जिसे अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर कराना है, कोई कंपनी जिसे अपने प्रोडक्ट को पब्लिक के बीच में पॉपुलर करना है.
तो एडवर्टीजमेंट जो होती है वो कोई ना कोई इंडिविजुअल, कोई ना कोई कंपनी कराती है, कोई ना कोई होता है जो एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स करता है, उसकी कॉस्ट बियर करता है। तो जो कॉस्ट बियर करता है उसे बोलते हैं स्पॉन्सर, एंड एडवर्टीजमेंट में कोई ना कोई स्पॉन्सर होता ही है। तो इन तीन फीचर से ही बनी है डेफिनेशन। अब आप देखो, आपको डेफिनेशन लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने बार बार एक एक फीचर पे इतना एम्फसाइज किया है कि वो आपके दिमाग में बैठ गए। तो एडवर्टीजमेंट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज पेड फॉर बाय द मार्केटर्स यानी स्पॉन्सर्स टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विस। ठीक है क्लास, अब एडवर्टीजमेंट के बारे में थोड़ी सी एक तो और इंट्रोडक्शन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं विच आर देयर इन योर एनसीईआरटी। क्लास सबसे पहले एडवर्टीजमेंट जो है ये मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड आपको पता है एडवर्टीजमेंट जब आती है तो वो आपको चाहे टीवी पे आए, चाहे न्यूज़पेपर में आए, चाहे रेडियो में आए, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है लाइक किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बेनिफिट्स, प्राइस, उसके सुपीरियर क्वालिटीज, ये सब। एंड बेसिक पर्पस क्या होता है क्लास, एडवर्टाइजिंग का बेसिक पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, द डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विस। और डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या बढ़ेगी, सेल्स। तो बेसिक पर्पस ये एडवर्टीजमेंट का ये है कि जो डिमांड बढ़े गुड्स एंड सर्विसेज की, ताकि उसकी सेल्स बढ़े। और कॉमन मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है, सबसे कॉमन टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, ये सब। तो ये था एडवर्टाइजिंग का इंट्रोडक्शन। इज दैट क्लियर क्लास, ये चीज सबको अच्छे से समझ आई। तो क्लास आज मैंने सिर्फ प्रमोशन के इंट्रोडक्शन को कवर किया है एंड एडवर्टाइजिंग के इंट्रोडक्शन विद फीचर्स को कवर किया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी प्रोसीडिंग विद द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। इज दैट क्लियर क्लास। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।